हम हो चुके हैं नहा धो के तैयार, एकदम रेडी शेडी हो चुका हूँ। कपड़े वपड़े पहन के वेट है भैया का, टैक्सी के लिए पता करने गए हैं कि टैक्सी का क्या मैटर है या बस का क्या मैटर है, क्योंकि हमारी 7:15 की ट्रेन है आज यहाँ से, और शिवगोड़ी यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर की डिफरेंस पे है। हमें टाइम से आना है यहाँ। हमारी ट्रेन है जम्मू से, यहाँ से कटरा से नहीं है डायरेक्ट। अगर कटरा से होती तो एक बार को चल सकता था, लेकिन हमें जम्मू जाना है तो हमें कम से कम यहाँ से 1.5-2 घंटे तो जम्मू जाने के लिए चाहिए। तो लगभग यहाँ से 4, 4:30 बजे अगर हम निकलते हैं जम्मू के लिए तो हम पहुँचेंगे वहाँ जम्मू स्टेशन पर। तो इसको सोचते हुए हमने सोचा है कि देखते हैं या तो कैब लेते हैं, क्योंकि कैब से एक तो हमारा इजी हो जाएगा, हमारे हिसाब से वो हमको लेकर वापसी आ जाएगी। बस का क्या, बस में बहुत सारे जने जाते हैं तो वो उनके हिसाब से जब सारे जने वापस आ जाते हैं जब ही चलती है। तो देखते हैं और दिखाते हैं आपको। आज यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, हम शिवगोड़ी के लिए निकल रहे हैं, लेकिन हमें कोई कैब नहीं मिल रही है ढंग की जो हमें जल्दी से जल्दी जम्मू भी छोड़ सके। और ये परेशान आत्मा, इन्होंने मुझे भी परेशान कर रखा, खुद तो परेशान है। और बारिश पड़ रही है अच्छी खासी, और इनकी इस टाइम पर बैंड बजी पड़ी है, इनकी शकल उतरी पड़ी है, क्योंकि शिवगोड़ी के लिए कुछ मिल नहीं रहा, बारिश में भीग रहे हैं। आइसक्रीम आज आइसक्रीम नहीं खा रहे, वैसे इनकी आइसक्रीम फेवरेट। हाँ अभी इन्हें बस टैक्सी दिख रही है, जल्दी से जल्दी टैक्सी मिल जाए और गोली की तरह जाएं और तूफान की तरह पहुंच जाएं, समझ गए ना। चलिए यार बता दे, टैक्सी करते हैं पहले फिर मिलते हैं। बारिश पड़ रही बहुत तेज, फोन रख लो अंदर। ये अपनी टैक्सी हो गई है और हम निकलने वाले हैं थोड़ी देर में, जल्दी से जल्दी यहाँ पे निकल के फटाफट पहुँचेंगे गेट पर। और जैसे भी होता है आपको टैक्सी में बैठ के टैक्सी वाले से मिलवा दें, क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा सा आ गई आ गई आ गई हमारी कैब, ये गाड़ी जा रही है। हाँ इस गाड़ी से हम निकल रहे हैं, फाइनली हम बैठ गए, हमारी कैब आ चुकी है। भैया अभी पीछे हैं और भैया फैल गए, देखते हैं कितने टाइम लगता है। वैसे तो कोशिश जल्दी है, जल्दी आ जाएंगे और भैया टाइमिंग पता चलेगा। इधर कोई निकला हुआ आगे कोई? अच्छा तो मिलते हैं फटाफट से ब्रेक के बाद। सर सामान पूरा चेक कर लो, मेरे बैग पीछे है, पीछे गए, रख दो सामान। हाँ चलो 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 चलो, जय माता दी, किलोमीटर देखी जाएगी अराउंड। चलो जी चलो कहाँ से कहाँ जाती है? श्रीनगर से लेके पाकिस्तान। हाँ अच्छा सही है मनोज भैया। हाँ नाला ना है क्या है? यो कौन सी नदी है मनोज भैया, ये तो बता दो। चिनाब नदी आ गई भाई, चिनाब नदी आ गई, चाइना से निकलती है। अच्छा अपने यहाँ होके सीधा पाकिस्तान, रोक लो खड़े यहीं पे हैं। हाँ। बंद करो पानी, करवा दोगे तुम पक्की बात? रास्ता बहुत खराब है पर ऊपर से पार्ट कच्चा ना ये। हाँ ये सब शिवकोड़ी की जा रही होंगी ज्यादातर गाड़ियाँ, सब शिवकोड़ी, जितनी येलो लेन वाली मिलेगी। हाँ तो हम पहले पहुंचेंगे इनसे। पहले पहुंचोगे? जैसे कलम सबको छोड़ते हो गए थे है मनोज भैया, रास्ते खराब है ना हमारे। हाँ रास्ते ठीक नहीं है। अच्छा हाँ रास्ते ठीक होते तो ज्यादा अच्छा होता है ना। कोई नहीं हम पहुंच जाएंगे, अभी तो 9:15 बजे हैं। 9:15 बजे है ना? हाँ ऊपर जाके तो छोटा सा रास्ता है ना बिल्कुल। हाँ जी वो उधर टाइम लग जाता है। हाँ जाम भी लग जाता है वहाँ। हाँ 20-25 मिनट हाँ देखा मैंने, मैं पहले गया हुआ हूँ ना, कच्चा है ना रास्ता। हाँ
वहाँ छोटा सही है, एक साइड बिल्कुल छोटी सी हो जावे, एक ही गाड़ी निकल पाती है। मतलब ये खुद है, भीग जाएंगे सारे कपड़े। पर ये दो जनों को थोड़ी ना करवाएंगे हम राफ्टिंग है मनोज भैया। टाइम कीमती है ना, नहीं डूबते वैसे भी नहीं है ना, लाइफ जैकेट है। अच्छा लाइफ जैकेट से 6 घंटे नहीं डूबते और हम सबसे पहले पहुंचेंगे। क्या बात कर रहे हो तुम, सुबह को किस टाइम खुल जाता है मंदिर शिवखोड़ी वाला? 6 बजे। ये रात भर थोड़ी ना खुला रहता, दिखे यहाँ की तरह वैष्णो देवी की तरह। कौन सी नदी है? चिनाब नदी। ये पाकिस्तान जाती है? पाकिस्तान जाती नहीं है। और पाकिस्तान जाती है चाइना से आती है। हाँ तो चाइना से आती है और पाकिस्तान जाती है, है? रोको दोनों को बंद करो। ये फ्लाईओवर है, बहुत बड़ा फ्लाईओवर था। है ओ ये यहाँ पे भी है। ये तो धूप पड़ेगी, अच्छा ग्लेशियर निकलता है। ये देखो पूरी गाड़ी की जगह लेकर चल रहे भाई साहब। यहाँ से है शिवखोड़ी कितना है? 49 किलोमीटर है शिवखोड़ी। तो 49 किलोमीटर और बचा है, पहुंच जाएंगे 10:30 तक। ये वीडियो कॉलिंग पे लगे हुए हैं भैया, अपना चला रहे हैं और हम बैठे हैं। और बारिश कंटिन्यू बढ़ रही है भाई। है मनोज भैया, इस तरीके से तुम इस रोड के अंदर का जो माल है वो खा जाओगे ना, है ना? अखरोट अच्छा नहीं है ना, पर चलो इसके एक अखरोट ले रखा है, उसके अंदर का सारा माल चूस चूस के खाए जा रहे हैं। तोड़ के तो इन पर खाया नहीं जा रहा, इनके दांत मजबूत नहीं है तो इसलिए चूस चूस के ही खा रहे हैं। चलोगे शादी को? कितने किलोमीटर पड़ता है? तो अगर आज जैसे जिस दिन जल्दी पहुंच जाऊंगा ना कटरा, हाँ उस दिन आ जाऊँ, जैसे आज अगर पहुंच गया जल्दी, हाँ आ जाऊंगा, नहीं तो नहीं, नहीं तो हफ्ता हफ्ता गया, 10-10 दिन भी लग जाते। भाई काजू बादाम खाएगा ना तो गाड़ी लेकर आपको आने में यहाँ तक कौन सी देर लग जाएगी? गाड़ी फिर 500 का डीजल खा जाएगी। अच्छा 500 का डीजल खा जाएगी, इसलिए बस से आ जाते हो? बस वाला 50 60 आने के लिए, 60 जाने। अच्छा 50-60, हाँ वही 60 जाने। यहाँ भी बाइक है, इधर से बैठूंगा बस पे, ये है ना नाला। अच्छा नाले से आऊंगा चढ़ के, इधर से बस में बैठूंगा सीधा बैठा, ये नाले से भी चलता जाना, कोई किसी का 3 किलोमीटर पैदल है। 3 किलोमीटर पैदल जाना होता है अंदर नाले में, कोई किसी का घर नहीं, कोई कोई तेंदुआ आ जाए, कोई कुछ आ जाए, नहीं तो फिर कहाँ घर का नीचे 3 किलोमीटर आगे।
पब्लिक रहती है? हाँ, गाँव में कम से कम 60 घर हैं, उससे पहले कोई नहीं। फिर तो रास्ता यही है, एक ही रास्ता है? रास्ता यही है। आपको गाड़ी वाड़ी लेके जाना चाहे? वो है काफ़ी लंबा है। अच्छा, वो गाड़ी वाला काफ़ी लंबा है, फिर एक डेढ़ घंटे नहीं, एक घंटा और लग जाएगा गाड़ी। हम 3 किलोमीटर कनेक्टिविटी किधर को है? उधर की तरफ कनेक्टिविटी किधर है? जम्मू वाली साइड ज़्यादा, जम्मू आना जाना। अच्छा, इसको अगर तुम्हें गांव आना है तो जम्मू की साइड से आओगे? नहीं, यहाँ से तो पैदल आएंगे। के लिए होटल पर पहुँच चुके हैं, अभी रुके हैं थोड़ी देर के लिए, और बारिश कंटिन्यू हो रही है। चाय बढ़िया बनवा देना मनोज भैया। और रुक गए हैं, जंगल सा है, बढ़िया एरिया, गाड़ी ये खड़ी है, घूम रहे हैं। वो चाय का ऑर्डर दे रहे हैं, मैंने कहा मैं इतने बाहर को घूम रहा है। मनोज भैया की पिंडली दिक्कत कर रही है, निकाल कर धर दो थोड़ी देर को। तो मनोज भैया की पिंडली थोड़ी सी परेशान कर रही है मनोज भैया को। भैया ने कल बहुत अच्छी कैड़े वाली चढ़ाई मारी है, कोई नहीं सब सही हो जाएगा धीरे धीरे। और भैया इससे बड़े इस बादाम को अखरोट को यहाँ ना तोड़ दो, किसी चीज लेके बाट बाट लेके। नमकीन आ गई और ले लो। डाल दो गाड़ी में, खा लेंगे। अभी खाओ गाड़ी में तो खाओ। कैसा रहा अभी तक रखता? कैसा रहा अभी तक रखता? अखरोट खत्म हो जाएगा यो? गाजियाबाद तक पहुंच जाएगा यो? है ये सब रोड को चूसते चूसते गाजियाबाद पहुंचेंगे, इतने उम्मीद है पक्के वाली इस बार। भाई लगे पड़े बिल्कुल जर्राटे से। झड़ बड़ पीते देखें, और मिलते हैं चाय पीने के बाद। जल्दी हो रही है गाड़ी लेके, देखो गाड़ी चलाने हम एक्स्ट्रा वो भी नहाने का ना, कंफर्ट है ना, टाइम लगेगा। तुम चाहे पी के मानोगे या ऐसे मानोगे? बैठे चलो, बैठते हैं और निकलते फटाफट। ये ना चूस चूस के अखरोट को तोड़ ही दिया है भैया, दिखाइए जरा, देख सकते हैं आप, ये अखरोट के टुकड़े हो चुके हैं। अब ये सब लगभग एक घंटे से केवल चूसा जा रहा था, चूसते चूसते इसका तेल खत्म हो गया, तो तेल खत्म होने के बाद इसको तोड़ दिया गया है। भैया वो बैट बहुत अच्छे मिलते हैं, पर बैट हाँ बहुत बेहतरीन। हाँ नज़ारा रास्ते का बहुत अच्छा है। ये गाड़ी ख़राब, इस भाई की गाड़ी ख़राब हो गई। हाँ तो हम यहाँ उतरे हैं, हमारे ड्राइवर साहब हेल्प कर रहे हैं इनकी। रिचार्ज मार दो। एयरटेल है, एयरटेल पोस्टपेड दिखा रहा है। अरे प्रीपेड यार, ऐसा है ना, हाँ यार जल्दी से तुम्हारा भी काम हो जाएगा, जल्दी करो, हम भी थोड़ा। चलो 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 चलो, पता ला लो।
दस पत्थर लगा दो एक पीछे, चलो बैठ जाएंगे। तो भैया की गाड़ी खराब हो गई और भैया को हम इलेक्ट्रिशियन तक छोड़ रहे हैं और वहाँ से इलेक्ट्रिशियन आएगा मिशनरी है जो कि इनकी गाड़ी को ठीक करेगा। कुछ इलेक्ट्रिशियन फॉल्ट हो गया है जो मैंने गाड़ियाँ दिखाई थी आपको, और हमारे भैया ने थोड़ी इनकी हेल्प कर दिया। बढ़िया है, जल्दी से इनका काम हो जाएगा और फिर इनके जो साथ हैं वो भी आराम से हम भी दिल्ली चलते रहते हैं एयरपोर्ट को ना। वैसे दिल्ली से हम कम है, गाजियाबाद से ज्यादा, हम यूपी वाले एक ही पानी है। हेलो, यमुना जी का पानी ना पीते हम, ये रहा भाई मेरे पास है। हाँ तो यूपी वाले तो हरामी हो वही है, हम हरामी हुए लेकिन जितने हरामी हुए इतना बड़ा दिल भी तो लेके घूमे। तो फाइनली हम पहुंच गए एक इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन बाहर तक लेगो। तो इलेक्ट्रिशियन होगा यहाँ पे और इनका काम हो जाएगा। है मनोज भैया, हो गया इनका काम? मैंने शादी भी तरीकी है। शादी भी तरीकी है? कहीं साइड पे जाना पड़ता है, मिलिट्री का ट्रक। ओ भाई हर जगह तुम भैया लंबे लंबे टाइम में ही जाए करो। एक महीने दो बार घर और पांच महीने का ससुराल जाएंगे। ससुराल में साली की वाइफ है। तो यहाँ से रास्ता शुरू हो गया छोटा शिवखोड़ी वाला। अब यहाँ से ये छोटा ही रास्ता है मनोज भैया, यूपी 17 है ना, वही है ना। नवरात्रों की माँ संपूर्ण। अच्छा नवरात्रों में ये बस आई है यात्रा करवाना है। यहाँ की बस बड़ी गजब लग रही है, ये मिनी बस, मिनी बस जो आ रही है बड़ी अच्छी लग रही है देखने में। अच्छी लग रही है भाई साहब, अच्छी लग रही है, गजब। अपने तो हमें साइड मिल गई। रास्ता ना सर वो सिंगल कह रहे थे। हाँ हाँ इसी रास्ते पे ज्यादा टाइम लगता है। हाँ शिवरात्रि में तीन दिन भयंकर भीड़ रहती है। अच्छा जैसे शिवखोड़ी जाने में हमें एक घंटा लग जाता है, जहाँ से हमने ये सिंगल रास्ता अभी जो सिंगल रास्ता हमने यूज़ किया जहाँ से वहाँ से शिवखोड़ी जाने में एक घंटा लगता है, ये बस से भी एक घंटा लगा देगी वहाँ जाने। अच्छा इसके पीछे भी कहाँ जाते हैं, यहाँ की जो लोकल बस होगी ना बहुत तेज चलेगी वो, ऐसा है ना उसे बिल्कुल पता है कि हाँ मुझे। तो देखिए अब भैया फ्रेश होने जा रहे हैं बोतल लेके, जैसे गाँव में जाते हैं ना। तो अब भैया जा रहे हैं फ्रेश होने, क्योंकि भैया को आ गई है हल्की हल्की सी। और ये चीज़ भाभी जी जरूर देखेंगी कि भैया बोतल लेकर यहाँ खुले में करने जा रहे हैं, इतने सारे होते सोते भी है ना भैया। वैसे ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, हैं फीलिंग बेटर? ओ माय गॉड,
देख रहे हो ये लौंडा बता रहे हैं अपने आप को बुढ़ापे में जिसमें सर वाल आधे गए हो गए। मैंने तो कैप लगा रखी है इसलिए मैं तो लगूंगा नहीं ऐसा है। तुम तो लगी रहे हो, जो रियलिटी है वो रियलिटी है ना, उसको कैसे मना कर सकते हो तुम। ये तो दिख ही ना रहे, एक काम करेंगे ना वो लगवा लेंगे, क्या कहते हैं, जाकर डॉक्टर से बाल लगवा लेंगे है ना। चलो भैया चलो फटाफट फटाफट चलते हैं, कुछ लेंगे फिर आके थोड़ा सा ना तो बढ़िया। हाँ सही है, चलो शिवखोड़ी पहुँच गए अपना, चढ़ाई पर मिलते हैं फटाफट से, चढ़ाई मारनी है, 11 बज रहे हैं, ग्यारह बज रहे हैं, चढ़ाई मार के 1 बजे तक वापसी आना है, जल्दी जल्दी जाना है, जल्दी जल्दी आना। चढ़ाई शुरू यहाँ से, और मनोज भैया ने मारनी शुरू कर दिया, चढ़ाई है और खींच रहे हैं जल्दी जल्दी। मनोज भैया सोच रहे हैं कैसे भागूं जल्दी जल्दी, 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई है, ऐसे भागोगे तो परेशानी आएगी है? ये रनिंग ना है, ये दुखाएगी। अरे हद कर रहे हो, घोड़े से चलना। अरे नहीं ना, अब मनोज भैया में थोड़ी थोड़ी पावर आती हुई है, फिर से दोबारा वापस मानेंगे है नहीं, ये खुद तो भागेंगे भागेंगे, साथ में मोए भी भगाएंगे, तो कुछ ऐसा रास्ता है यहाँ का। अरे नज़ारा, अरे बरसाती नाला नहीं, बरसात अच्छा इन्हें ज़्यादा पता है। और चलते रहेंगे भैया बढ़िया बढ़िया, जल्दी से एंजॉय करते हुए। अरे चलोगे अभी, तो तुम्हें ही तो ले रहा हूँ मैं। हाँ कितने खुश हो गए हैं कि मैं इन्हें ले रहा हूँ सेटिंग करते हुए। ऐसा नहीं है, शादी से पहले बच्चे आ गए। हाँ चलो बेहतरीन तरीके से पहुँचेंगे फटाफट से ऊपर मार। अरे ऐसे चलूँगा मैं तो, ये यार भगाने पे लगे रहे हैं, जब देखो इनको कोई काम बचा नहीं है। पुराने पुल पे कोई आता है, नए पुल पे क्या करोगे जाके। बढ़िया लग रहा है पुल वैसे। भैया बता मनु भैया, तुम अपने फोन में फोटो ना खींच सकते क्या? डम 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 डू बाजे। हाँ कोई होता क्यों नहीं, चक्कर क्या तुम हो, बाकी सब पानी कम है लगा जल भूल। ये तो भैया एंड्रॉइड जल के पीछे पड़ गए, एंड्रॉइड जल पी के ही जाएंगे। तो सब मैंने पीला रहा हरा पी लो पीला के दारा पे। चलिए एक बार आया हूँ बताता रहो बहु को लेके ना बताऊँगा दोस्तों की, और वीडियो कॉल करें एक बार कैसा। हाँ भाई ये तो लेके ही ना आया, तो मेन जगह पर यही थी मुद्दा, तुमको मुझे पिटवाने के चक्कर में इसका मतलब है। ऐसे कहीं बुला रहे थे। हाँ यहाँ तो अभी सामने वहाँ से क्रॉस करा तीसरा। हाँ ये भी घूम रही है ना, पहाड़ घूम रहे हैं तो ये घूम रही है। हाँ तो पहाड़ों के बीच में चलती है हमेशा। हाँ
एक नंबर आपके पास। और शिवपुरी का रास्ता वैसे सही है, साफ है वैसे, है ना? तुम्हारा चश्मा सर पे रख के जाओगे? अच्छा, इनके कहने का मतलब है इनके बाल छुपे हुए हैं, बाल इतने नहीं दिखाई दे रहे कि हैं या नहीं, कंफ्यूजन चल रहा है। हाँ, जिस दिन सर्च पूरा हो जाएगा उस दिन बता दिया जाएगा क्या होगा। देखिए डायरेक्टर को जाकर जाम जो है पट्टी करनी पड़ेगी। हमारे मनोज भैया थोड़े पीछे रह गए तो अच्छे हो रहे, ज़्यादा पीछे नहीं है, थोड़े पीछे ही हैं, आ रहे हैं। और चढ़ाई थोड़ी सीधी सी है, थोड़ा रास्ता खुला है, पर वो आए जा रहे हैं, मैं भी चलता चला जा रहा हूँ अपना। और नेचुरल है भाई, क्या ग्रीनरी बहुत अच्छी है, किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, चढ़ने में मज़ा आ रहा है। बाहर पेड़ के पीछे हैं बाहर मुँह पहुँचते हुए, अभी तो अपने को चढ़ना है, पर चढ़ना कितना है प्रॉपर ये नहीं पता अपने को, क्योंकि सेकंड टाइम आया हूँ वैसे, पर काफ़ी टाइम पहले आया था तो सही से नहीं पता अपने को कि कितने ऊपर तक जाना है। ऊपर जाके पता चलेगा कि कितना जाना है अपने को। वैसे नीचे से 3.5 किलोमीटर था, और जो भी होगा यार देखा जाएगा, पहुंच तो जाएंगे ही। अभी टाइम 11:25 हो गए, चलते चले जा रहे, पर खींच देते हैं उसके बाद ऊपर चल के मिलते हैं सीधे। तो फाइनली हम पहुंच गए। जूते कितने उतरेंगे? इकट्ठे ऐसे ही? तो भैया लॉकर कहाँ है? अच्छा, जूते चलो दर्शन करने हैं, फटाफट से दर्शन करते हैं और चलते हैं। अरे रुक तो जा, जुराब तो उतार दो, जुराब जूते उतार दो, चलो उतारो। इन्होंने तो मेरा खून पी के धर दिया, ये जगह जो बनाई गई है बैठने के लिए बनाई गई है, कुछ नहीं है भाई। तो सीधी सी बात है, जूते हमारे ऐसा ना हो हमारे जूते बंदर ही पहने। चलो ठीक है। दर्शन करके उतर रहे हैं भैया, दर्शन हो गए। राजधानी एक्सप्रेस दर्शन करें। ये गुफा अल्टीमेट, आओ तो ये गुफा में जरूर जाओ, गुफा वाले रास्ते से जाओ, पीछे वाले से तो बेकार है, पीछे वाला क्या है, जैसे वैष्णो देवी मंदिर गए थे वैसे से, लेकिन जो गुफा से निकले ना वो अच्छा था। एक बार को ठीक जरूर सांस सांस जरूर रुक सकती है एक बार को, लेकिन पार हो जाता है। भोले के बाबा की जयकार लगाना, नहीं तो सबकी हवा ले जाती है, कोई भोले वोले सब भूल जाता अंदर। हाँ, जाने का आराम से निकल से जब गुफा में एंटर करता है जब तो आवाज़ आती है। हाँ, जब गुफा के बीच में पहुँचता है तो आवाज़ नहीं आती, भोले बाबा को भूल जाते हैं। अच्छा, दिक्कत जब होती है आवाज़ लगाओ भोले बाबा को, भोले बाबा की जय, बस निकलते चले जाओगे। वैसे हम दर्शन करके थोड़ा नीचे आ गए, अब झाड़ा झाड़ नीचे पहुँचेंगे फटाफट, कुछ खाएंगे। बाबा का जो मंदिर है अंदर गुफा क्रॉस करने के बाद, अल्टीमेट पंडित जी को सेट करो थोड़ा सा, आराम से बोलो पंडित जी से 100 रुपये चढ़ावा चढ़वाओ, और सारा बताएंगे त्रिशूल, ये शिव जी फैमिली, शेषनाग, राम मंदिर, हनुमान जी, ऑल देवता, ऑल ब्रह्मांड, एक ही पहाड़ के नीचे। हाँ, सब बताएंगे। छोटे छोटे पहाड़ में कटिंग है, नेचुरली कटिंग है पानी से, तो इस टाइप का वो लगता है देखने में। गाय के थन भी हैं, और चक्र भी है कृष्ण जी का, हनुमान जी बैठे हैं,
और गणेश जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, उनके और भी हैं, वो है क्या नाम है कार्तिक, कार्तिक भी हैं, हाँ। गणेश जी भी हैं और बहुत सारे 25,000 जो भी धन देवी देवता हैं, हाँ, सब हैं धन निरंतर को 133 हाँ छोटे 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 133 देवी देवता जो हैं वो भी वहाँ पे मतलब नेचुरल है, वो अपना कटिंग है भगवान जी का बनाया हुआ है आपके ऊपर। हमारी समझ में आ गया, हमने आपको बता दिया। लड्डू हमने खाए, लड्डू बढ़िया से, लड्डू जरूर खाना, हमारे तो वैसे बंदर लेके चला गया था एक बार तो। एक पैकेट बंदरों के लिए कुछ कम, हाँ बढ़िया लगा, सस्ता है, महंगा नहीं, 40 रुपए का शायद, 50 रुपए का पैकेट था, हाँ अच्छा। काजू बर्फी जैसा लगेगा कुछ कुछ, हाँ। कुछ कुछ जैसे मिल्क का पाउडर डाल के बनाया हो बेसन के अंदर, हाँ उस हिसाब से, हाँ हाँ चले नीचे चलता मिल गया फटाफट मिलते गाड़ी में। ओ फाइनली हम नीचे आ गए यार, और अब फटाफट अपनी कैब पे पहुँचते हैं, और कैब पे पहुँच के आओ, कैब पे पहुँच के निकलते हैं, हमारी कैब खड़ी है थोड़ी आगे यानी टैक्सी है, मेरे से कुछ ना मेरी तरफ क्यों देख रही, उधर देख रही थी, मैंने मुझे लगा कि तुझसे बात करके जा रही है, कुछ कंफ्यूजिंग हो गई भैया को। तो फिलहाल में हम झाड़ पैर चल के थोड़ा बहुत कुछ हम अगर लेना है तो लेते हैं, कुल भी खाएंगे वरना तो भैया निकल लेते हैं टैक्सी में बैठ के, क्योंकि टाइम 1:15 के करीब हो गया है, 1:15 हो गया होगा, हाँ 1:15 हो लिए हैं, तो पकड़ के और या ऐड देनी थी भाग जाएंगे। गोलगप्पे खाओगे, टेस्ट कर ले थोड़ा सा है, पहले हम गोलगप्पे खाते हैं, जब मिलते हैं आपसे चेक कर लें यार जल्दी से, किसी में भी खा लो, चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। इधर अपने ड्राइवर भैया और यार अपनी गाड़ी फटाफट बैठे हैं, और निकलते हैं बैठ के चले चले। चलो भाई बाहर का देख के ले लिया, बाहर के 500 बहुत था, इधर इनको स्यापा बन गया, अब मैं तो ज्यादा भी खाना पड़ा था, इधर गाड़ी को मुक्के लगा रहे डाट डाट डाट, मैंने उसे भाई कितने फटाफट से आ गया मैं इधर आया, फाइनली अब निकल चुके हैं उसी बॉडी से, और गाड़ी भूल गए जानते झड़ पैड पहुँचते हैं जम्मू, अरे कटरा जाना पहले, कटरा से बस पकड़ेंगे और फिर जम्मू, जम्मू से हमारी ट्रेन है यूटीपी करके कुछ है, गाड़ी भी चाबी लग जाती है अपने आप ही, बैठेंगे सुबह 4 बजे वो हमें दिल्ली उतार देगी सराय रोला, जाते फटाफट से अपनी ट्रेन को पकड़ते हैं और भागते हैं भैया, हो गया बहुत टाइम, सवा 1 बज गया है, सही टाइम से पहुँच जाएंगे 1:15 से, तो अभी 3:30 बेहतरीन पहुंच जाएंगे, अरे पहुंच के अपना भैया बस पकड़ेंगे बीच में सीधा ऊपर, फाइनली भैया हैं हम दिल्ली से ऐसा हो गया, काट लो जब ये सब होगा, हम आ चुके हैं नौ देवी दर्शन ना है ना, क्या है पर्स का क्या करना है तुम्हें, अभी तो बात दर्शन करते हैं पर्स का क्या कोई बात ना, आ जाओ यहां कुछ ना ऐसा, तो हम फाइनली दर्शन करने आ चुके हैं, नौ देवी मंदिर है ये, तो यहाँ पे दर्शन करने आए हैं और यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है, फटाफट से अपना दर्शन करते हैं और निकलते हैं, यहाँ नीचे से जाना है फटाफट, 3:30 होने वाले, 4 बजे तक, 4:30 तक हम बस पकड़ के और निकल जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है और बहुत सारे काम भी है यार, जल्दी जल्दी काम को निपटा कर और मांग मांग जाना है यार,
बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है। हमारी ट्रेन नहीं है, हाथ से जानी चाहिए। ट्रेन का मामला बहुत कैड़ा है हमारी का, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी निपटाएंगे इसको। मिलते हैं नीचे चल के। हैं टांगों की हवा निकल चुकी है, तो फटाफट फटाफट नीचे उतर रहे हैं। ये नीचे उतरने का रास्ता है, और जल्दी से नीचे उतर के यहाँ छोटे से दर्शन करेंगे जल्दी से, और दर्शन करके भैया भाग लेंगे घर को। ये देखिए दरबार की तरफ जा रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक मिनट थोड़ा सा साइड दे दीजिए। गुफा में जाने का रास्ता ये है, तो यहाँ से गुफा में जाने का रास्ता है ये। क्या यहाँ हम गुफा को निकल रहे हैं, देखो हो गई नेचुरल है, हैं? हाँ स्नान, हाँ स्नान कर सकते हैं, नहा सकते हैं अपना आराम से। क्या चीज? अच्छा अलग अलग है, चलो बाद में नहाएंगे अगली बार। यहाँ पे टाइम अपने पास कम है। फाइनली दर्शन हो गए नौ देवियों के और निकल गए। इसकी वीडियो हमारे पास है, गुफा में निकलते हो मेरी, इसकी नहीं है, फंसी रही हूँ। इन्होंने अपनी वीडियो बनवा ली और मेरी वीडियो बनाने के लिए ये तैयार ही नहीं होते, इनके साथ यही तो मुसीबत है। अकेले अकेले खुश हो लेते हैं, रह जाता हूँ मैं। बस स्टैंड आ गए, बैक टू होम। हाँ ये वाली बैक टू होम चल रही है भैया, जल्दी जल्दी बस में बैठते हैं, सीट पकड़ते हैं अपनी और निकलते घर के लिए। हाँ जल्दी चलते, जल्दी जल्दी जम्मू बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे जाएगी ना। ठीक है जी, तो हम आ गए अपना बस में। अंकल जी कितना टाइम?